नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को अभी लागू होने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक ये कानून लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कमेटी बनाने का ऐलान किया है। कोर्ट ने कहा है कि वो अपने मुताबिक इस कमेटी में लोगों का चयन करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों के मुद्दे को सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी पर सवाल उठने लगे हैं। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, और महाराष्ट्र शेतकरी संगठन के अनिल धनवत शामिल हैं। कमेटी में शामिल लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि इन लोगों ने कृषि कानूनों का समर्थन पहले ही कर दिया था। राकेश टिकैत ने कहा कि कमेटी में शामिल लोगों से चाहे आज वही बात करा लो या 10 दिन बाद, ये तो एक ही विचारधारा के लोग हैं। कोर्ट के फैसले के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के किसान कोर्ट के फैसले से निराश हैं। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या कानून के समर्थक रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इन कानूनों को लाए जाने की सिफारिश की थी। देश का किसान इस फैसले से निराश है। टिकैत ने कहा कि किसानों की मांग कानून को रद्द करने व न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण कर कल संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति की घोषणा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। इस पर स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही एक बयान जारी किया है, हम इस कमेटी की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। ऐसी कोई याचिका कोर्ट से नहीं की गई है जिसमें कोई कमेटी बनाने को कहा गया हो। योगेंद्र यादव ने कहा कि कमेटी के नाम जारी होने के साथ हमारी आशंका स्पष्ट हो गई है। इनमें से 3 सदस्य कृषि कानूनों के मुखर पैरोकार रहे हैं, यह सरकारी समिति है। यादव ने कहा कि कृषि कानून पर अस्थाई रोक लगाई है जो कभी भी उठाई जा सकती है, इसके आधार पर आंदोलन खत्म नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नए कृषि कानूनों पर रोक लगाते हुए संबंध में आगे बातचीत के लिए एक समिति गठित की। इस समिति की अध्यक्षता के लिए सोमवार को ही सुनवाई में जस्टिस लोढ़ा का नाम सबसे पहले सामने आया था। अब न्यूज चैनल NDTV से बात करते हुए जस्टिस RM लोढ़ा ने बताया, मैंने समिति की अध्यक्षता करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब वो इस समिति का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस को प्रदर्शन के अधिकार से देश की बदनामी को लेकर काफ़ी चिंता हो रही है। दरअसल किसानों की 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसने याचिका लगाकर प्रार्थना की है कि उस रैली निकालने के खिलाफ अदालत आदेश जारी करे। पुलिस ने कहा है कि विरोध करने का अधिकार पब्लिक ऑर्डर और जनहित के ऊपर निर्भर करता है। इसने याचिका में कहा है कि देश को विश्व स्तर पर बदनाम करना अधिकार में शामिल नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले की ओर से प्रस्तुत वकील ने कहा कि किसान आंदोलन में पहले से प्रतिबंधित संगठन सिक फॉर जस्टिस काम कर रहा है, जो चिंता की बात है। इसको लेकर जब CJI ने अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछा तो सरकार की ओर से प्रस्तुत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी लोग घुस चुके हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि अगर कोई आंदोलन में प्रतिबंधित संगठन के हस्तक्षेप का आरोप लगा रहा है तो कल तक इसको लेकर आपको हलफनामा दायर करना चाहिए, हमें इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। बच्ची का शव गांधी पार्क इलाके में रेलवे पटरियों के पास से बरामद किया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले में 3 आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 15 से 16 साल की उम्र की छात्रा हरदुआगंज के एक गांव में रविवार की सुबह अपने घर से लापता हो गई। पुलिस ने बताया कि कुछ ही समय बाद बच्ची के परिवार को संदेश मिला कि बच्ची का अपहरण कर लिया गया है और उसकी रिहाई के लिए फिरौती के तौर पर 5 लाख रुपये की मांग की गई। बाद में पुलिस ने एक लड़की के शव की पहचान करने के लिए परिवार से कहा तो मालूम चला कि बच्ची की हत्या कर दी गई है। शव रेलवे पटरियों के पास पाया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और HS प्रणॉय कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हैं, जहां ये प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे थे। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है और अब दोनों ही खिलाड़ी BWF विश्व टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे और अस्पताल में उन्हें 10 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा।
कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने आज से अपना अभियान शुरू कर दिया है। सरकार के मेगा एक्शन प्लान के मुताबिक देश के कई राज्यों में मंगलवार को कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई कोविशील्ड वैक्सीन देश के 13 महानगरों में पहुंचाई जा रही है। वैक्सीन को पुख्ता सुरक्षा के साथ पहुंचाया गया है और जहां रखा गया है वहां भी कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। मालूम हो पूरे देश में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होने वाला है। भारत में पिछले एक दिन में 12,584 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 167 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,79,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,51,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,16,000 से अधिक हैं। अमेरिका में ट्रंप समर्थक एक बार फिर बड़े स्तर पर हिंसा करने की योजना बना रहे हैं। इसी को लेकर FBI ने चेतावनी दी है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह से पहले पूरे अमेरिका में हथियारबंद प्रदर्शन हो सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है कि हथियारबंद समूह 20 जनवरी को बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सभी 50 राज्यों की कैपिटल और Washington DC में इकट्ठा होने की योजना बना रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक समारोह के मद्देनजर 15,000 राष्ट्रीय गार्ड के बलों को तैनात किया जा सकता है। बता दें अमेरिका में अलग अलग दक्षिणपंथी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर ट्रंप समर्थकों ने दावा किया है कि वो किसी भी हाल में ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं और इसके लिए वो जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में हिंसा भी कर सकते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।